सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे द फ्लैश के सेकंड ट्रेलर के ऊपर, जिसे वॉर्नर ब्रोस ने 12:30 AM पर रिलीज किया था। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। पर यह द फ्लैश का सेकंड ट्रेलर कम्प्लीटली बुलशिट था। बुलशिट इसलिए कि इसने मेरी ट्रेलर वन में बनाई थ्योरी को ऑलमोस्ट सही साबित कर दिया है। सो ट्रेलर की स्टार्टिंग में दोनों बेरी बैटमैन को ढूंढते हुए वेन हाउस आए हैं, जहां पर वे माइकल कीटन के बैटमैन से मिलते हैं। और कीटन का बैटमैन इन दोनों ही बेरी को अपनी कहानी बता रहा है कि उसने भी अपने पेरेंट्स को खोया है और इस बात को उसे काफी ज्यादा दुख है, लेकिन उसके पेरेंट्स की डेथ ने उसे गोथम सिटी का शहंशाह बना दिया है, जो रात को चोरी छुपे क्राइम का सफाया करता है। देन सुपर गर्ल भी बेरी से यही बात कह रही होती है कि तुमने एक ही रात में अपने माँ और बाप दोनों को ही खो दिया। और यह पूरी कन्वर्सेशन एक ही प्लेस पर हो रही है, बैटमैन की केव में, जब ये तीनों गुंडों की कैद से सुपरगर्ल को आजाद करवा कर लाए हैं, जहां कीटन का बैटमैन और सुपरगर्ल कालरा बेरी को यही बात बोल रहे हैं कि तेरा दुख हमारे दुख से बड़ा है। देन बेरी का कहना है कि उसने टाइम ट्रेवल किया अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए, लेकिन उसने इसी के साथ यूनिवर्स भी ब्रेक कर दिया है। सो बेरी एलन के टाइम ट्रेवल के चक्कर में ही सारे सुपर हीरोज इधर उधर जा चुके हैं, कोई जस्टिस लीग नहीं, और मैन ऑफ स्टील के इवेंट में हमें सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल दिखाई दे रही है। सो इन सबका दोष आप बेरी एलन फ्लैश को दे सकते हो, एक्सेप्ट जेम्स गन। देन जोड के डायलॉग के साथ हमें बेट अफ्लेक की लाइन सुनने को मिलती है कि अगर तुमने अपने अतीत को बदलने की कोशिश की तो तुम अपना भविष्य भी बदल दोगे, और शायद हम सभी का। सो बेसिकली बेट अफ्लेक का बैटमैन टाइमलाइन को बचाने के लिए बेरी एलन से कह रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है वह दुखद बात है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, तो चुपचाप बैठे रहो और टाइमलाइन में उंगली करने की जरूरत नहीं है। वहीं कीटन का बैटमैन बेरी को मोटिवेट कर रहा है कि तुमने सही किया टाइमलाइन में आग लगाकर। देन बेरी एलन इन दोनों बैटमैन की बातों को लेकर कंफ्यूज रहता है, और तभी सुपर गर्ल अपना एस दिखा देती है, सुपरमैन के सिंबल वाला एस, जिसका मीनिंग है होप। सो टाइमलाइन में कुछ ज्यादा झोलझाल भी नहीं हुआ है बेरी के टाइम ट्रेवल करने से, बस कुछ सुपर हीरोज चेंज हो गए हैं। इन तीनों चारों की फटी पड़ी है क्योंकि मैन ऑफ स्टील का इवेंट हो रहा है, जो कि होना ही था, लेकिन उसे रोकने के लिए सुपरमैन चाहिए, और जोड सुपरमैन को ही ढूंढ रहा है, और बेरी के टाइम ट्रेवल के चक्कर में सुपरमैन तो है नहीं, फिर जोड को रोकेगा कौन? और इसी के लिए सुपर गर्ल हेल्प करने के लिए आगे आ रही है। ये तीनों चारों जोर से फाइट करने के लिए आए हैं, लेकिन लगता है कि ये तीनों चारों फेल हो गए हैं और जोड विन कर रहा है। कालरा ढीली पड़ चुकी है क्योंकि रशियंस ने इसे खाना पीना नहीं दिया है, और बैटमैन बूढ़ा हो चुका है तो वह ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता, और किसी सीन में तो इसे बुलेट्स भी पड़ रही है, लेकिन इसका केप बुलेट प्रूफ है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद यह सीन, इसमें भी डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई मरा नहीं है। यह सीन रशियंस के ठिकाने का है, जहाँ पर बेरी सुपर गर्ल के लिए एक उम्मीद बनकर आया है। देन फिर से बेट अफ्लेक के डायलॉग्स, जो बता रहा है कि हमारे अतीत में हमारे द्वारा किए गए कांडों की वजह से ही हम आज जाने जाते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही सेम बात। देन ये लोग जोड के अगेंस्ट ऑलमोस्ट लूज कर चुके हैं, और बेरी को मोटिवेट कर रहा है। उसके बाद बेरी फिर से टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक करेगा, और उसकी फेट में जो कुछ भी लिखा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेगा। वेल, यह ट्रेलर 2 काफी इंटेंस सिक्वेंसेस से भरा हुआ है, जिसे शायद रिलीज नहीं करना चाहिए था। ये दोनों ही ट्रेलर मूवी के प्लॉट के बारे में काफी कुछ रिवील कर देते हैं, और मैं ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 को देखकर मूवी के कम्प्लीट प्लॉट को डिकोड कर सकता हूँ, और आप भी डिकोड कर सकते हो मेरे चैनल पर ट्रेलर 1 के ब्रेकडाउन को देखकर और ट्रेलर 2 के ब्रेकडाउन को देखकर। मूवी के स्टार्टिंग के सीन को ट्रेलर के एंडिंग में रखा गया है, जहाँ पर ये तीनों सुपर गर्ल को रशियंस की कैद से आजाद कराने के लिए जा रहे हैं, और बाकी ट्रेलर की स्टार्टिंग में फ्लैश, बैटमैन और सुपर गर्ल की फ्रेम दिखाई जाती है, और ट्रेलर की एंडिंग बैटमैन, सुपर गर्ल, फ्लैश के लोगों के साथ एंड की जाती है, जो कि एक साइन है कि मूवी में आपको ये तीनों कैरेक्टर ही मेजर रोल में दिखेंगे, तो आप कोई स्पेशल केमियो एक्सपेक्ट न करना किसी भी सुपर हीरो का। बेट अफ्लेक यह बस मूवी के फर्स्ट 10 मिनट में ही देखने को मिलेगा, जिसमें इसे एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस दिया गया है, और लगता है मूवी की स्टार्टिंग इसी एक्शन सीक्वेंस से होगी। देन एक्शन सीक्वेंसेस के बाद यह बेरी को ज्ञान देगा, और बेरी उसी ज्ञान के अपोजिट काम करेगा। Meanwhile, टाइम ट्रेवल करके बेट अफ्लेक को ही खत्म कर देगा, जहां जोड बेट अफ्लेक का रिवेंज लेने के लिए आया है, और इस बैटल में वह बेरी एलन को ऑलमोस्ट डिफीट कर देता है। बेरी एलन ऑलमोस्ट लूज करने ही वाला होता है, देन फिर से वह टाइम ट्रेवल करके सब कुछ ठीक कर देगा, और डीसी के अपकमिंग यूनिवर्स की एक नींव रखेगा, जिसमें शायद इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बेट अफ्लेक देखने को मिल सकता है। और अगर बेट अफ्लेक देखने को नहीं मिला तो गारंटीड जेम्स गन की लुगाई तो देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल ट्रेलर काफी अच्छा था, बस मूवी के प्लॉट के बारे में काफी कुछ रिवील कर देता है, जिसके ऊपर अगर मैंने विस्तार में बात की तो मूवी की कंप्लीट स्टोरी ही रिवील हो जानी है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।